The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Everybody's here. Welcome. Thank you so much. So, what is blood disorder? भाई खून में क्या बीमारियां आ सकती हैं? खून की बीमारी. मुझे खून की बीमारी है, मुझे फलाना है, मुझे ढमकाना है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे क्या है और खून की बीमारी क्या है. देखिए ब्लड, कई सारी बीमारियां होती हैं जो हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ यानी कि खून की बीमारियां होती हैं और बहुत प्रकार की होती हैं. कई बार खून की क्वालिटी या खून के जो सेल्स हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, खून के अंदर जो प्रोटीन है, जो क्लॉटिंग सिस्टम है उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो कई सारे प्रकार की बीमारियाँ होती हैं ब्लड डिसऑर्डर. ठीक है, खून के अंदर हमको पता है रेड ब्लड सेल होते हैं, वो कम हो गए तो एनीमिया, राइट. वाइट ब्लड सेल हो गए, वो बढ़ गए तो, वो कम हो गए तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है. प्लेटलेट कम हो गए तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाता है. और यही चीज़ बढ़ गई, खून रेड ब्लड सेल बढ़ गए तो इरेथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल बढ़ गए तो ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटलेट बढ़ गए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस बढ़ जाना, पीनिया मतलब कम हो जाना, इससे हमें आइडिया हो जाता है, राइट. इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में कम हो गया तो एनीमिया, वो भी एनीमिया. क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ब्लड के अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है. रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन लेके, हीमोग्लोबिन लेके, ऑक्सीजन लेके सारे बॉडी के पार्ट्स को जाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आपके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं इन्फेक्शन फाइट करने के लिए, कैंसर को फाइट करने के लिए. प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स आपका खून रोकते हैं जब भी आपको ब्लीडिंग हो जाती है. सो कई सारे ब्लड के डिसऑर्डर हो सकते हैं और उनके बथेरे टाइप के सिम्टम होंगे. ऑब्वियसली जितने प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर उस प्रकार का उसका सिम्टम, उसी के हिसाब से उसके टेस्ट होने चाहिए. फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके सिम्टम साइन समझ में आएंगे, उसके ब्लड टेस्ट में समझ में आएगा. कंप्लीट ब्लड काउंट करो या बोन मैरो करो, क्या करो क्या करो क्या करो. बोन मैरो ये वो जगह है जहां पे आपका ब्लड के सेल्स बनते हैं. सो बोन मैरो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन उसको जानने से पहले सिम्टम जानते हैं. सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, सारे ब्लड डिसऑर्डर का निचोड़ समझेंगे आज. जोरदार वीडियो, खतरनाक टॉपिक. सो खून की कमी सबसे बड़ा, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा. ऑक्सीजन ही कम है तो एनर्जी कम है, वीकनेस, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस कम, सांस फूलना, ये तीन मेन सिम्टम हो जाएंगे, राइट. इसके अलावा लंबे समय रहेगा तो सब कुछ खराब होगा लंबे समय में, राइट. वजन कम होना, डिप्रेशन आना, सब होगा. वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए तो इम्यून सिस्टम कम, लगातार बार बार फीवर हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है. प्लेटलेट कम हो गए तो क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ईजी ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, घपाघप ब्लीडिंग, ना रुकी नहीं रहा खून, हे भगवान क्या हो गया, राइट. ऐसा भी होता है. मान लो रेड ब्लड सेल्स बढ़ गए तो क्या होगा, अब ये तो कम हो गए, बढ़ गए तो क्या होगा. रेड ब्लड सेल बढ़ गए तो खून गाढ़ा हो गया, सर में दर्द हो सकता है, लाल लाल कॉम्प्लेक्शन आ सकता है, जिसको हम प्लेथोरा बोलते हैं, लाल दिख रहा टमाटर, तो वो टमाटर जरूर नहीं है अच्छा हो, राइट. सो इट माइट बी प्लेथोरा. WBCs बढ़ गए, वाइट ब्लड सेल बढ़ गए तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम में प्रोटीन्स बढ़ के अगेन ब्लड विक्स, ब्लड गाढ़ा हो सकता है, ब्लड थिक हो सकता है. प्लेटलेट बढ़ गए तो क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट बढ़ गए तो अंदर ही अंदर खून में क्लॉट्स भी बन सकते हैं, तो इनअप्रोप्रिएट एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है प्लेटलेट में. तो ब्लड डिसऑर्डर्स बच्चों वाली खेल है, बहुत डेंजरस चीज़ है, इसमें जान भी जा सकती है भैया. पर्सन्स ब्लड पर्सन, एक किसी का ब्लड पतला हो सकता है, किसी का खून की इम्यूनिटी कम ज़्यादा हो सकती है. प्लेटलेट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, WBCs बहुत सारे इसमें हैं, राइट. और एक इसी को एक हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी आपके इसी के वजह से होता है, ब्लड सेल्स बढ़ जाने की वजह से. और इसमें भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सर दर्द होगा, सांस फूलेगा, कन्फ्यूजन होगा. हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम कई सारी और सिंड्रोम के साथ, जैसे कई मल्टीपल माइलोमा, दूसरी बीमारी, डिहाइड्रेशन वाले लोगों के साथ भी होता है. सो इट्स अ वेरी बिग डिसऑर्डर, है कि नहीं. साथ ही अगर मान लो कोई चीज़ बढ़ती गई, मान लो सिम्टम्स ब्लड डिसऑर्डर है,
लेकिन वो दूसरे सिम्टम के, दूसरे ऑर्गन के इसमें भी सिम्टम कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, लंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपको बाकी ना पता चले, आप किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी पता चले और फिर बाद में उसका कारण ढूंढा तो वो तो खून की बीमारी निकले, ऐसा भी होता है, राइट। और कुछ बीमारियों में कई बार कोई दवा से साइड इफेक्ट्स, एस्पिरिन डिस्पिरिन दे दिया, उससे प्लेटलेट काउंट ऑन कम हो गए, ब्लीडिंग हो गई, आपको डेंगू था, ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं, राइट। तो इसीलिए हमेशा खुद से दवा मत लेना, डॉक्टर से लेना, ठीक है। डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट टू बी टेकिंग द डिसीजंस, राइट। सो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं, इसमें ब्लड डिसऑर्डर्स में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार क्लॉटिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बढ़ सकती है, फीमेल की बेबी की डिलीवरी में ब्लीडिंग बढ़ सकती है, दांतों में, बच्चों के दांतों में टीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स में। और अगर मान लो शरीर के अंदर कहीं क्लॉट बन गया, फ्लेबाइटिस बोलते हैं, खून की नस है, वेन्स में क्लॉट बन गए, तो वहाँ क्लॉट आ जाएगा, वहाँ पर आपको होगी सूजन, लालपना, वॉर्म गर्म हो जाएगा, और अगर वो क्लॉट सांस की नली में चला गया, भैया वो हो गया हार्ट अटैक से डेंजरस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जानलेवा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीधा ब्लड प्रेशर कम, टैकीकार्डिया, खतरनाक बीमारी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट। छोटे छोटे क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग जो है, कभी कभी छोटे छोटे ब्लीडिंग दिखती है, पेटिचियल हिमोरेजिस, छोटे 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 ब्लिस्टर्स, लाल लाल निशान, छोटे छोटे दाने, वो भी ब्लड डिसऑर्डर का निशानी हो सकती है। लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो सकती है, जब भी आपके WBCs बड़े होंगे तो कईयों के यहाँ, कईयों के पेट के अंदर, कईयों के इंग्वाइनल रीजन में लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, कईयों के बगल में लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, तो लिम्फ नोड स्वेलन हो सकते हैं, लिम्फोमाज में, ल्यूकीमियाज में, ब्लड कैंसर में भी लिम्फ नोड्स बड़े, तो लिम्फ नोड बड़े हैं तो उनकी जांच करके लिम्फोमा ल्यूकीमिया की जांच भी जरूरी है। पर्सन सबसे बड़ा वाइट वाइट दिखने, पेल दिखने लगेगा, पेल दिख रहे हैं तो एनीमिया है, क्लियर कट। और पाइका, ऐसे कई लोग, पाइका नहीं पता ना, पाइका क्या होता है, कई लोगों को मिट्टी खाने का मन करता है, क्ले खाने का मन करता है, बर्फ खाने का मन करता है, ऐसे का मतलब है आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी कैन कॉज पाइका। पाइका बहुत जोरदार वर्ड है, नाम याद रखना है, पाइका, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं ब्लड डिसऑर्डर के। अब आप क्या करोगे, आपको चुपचाप खुद से दिमाग नहीं दौड़ाना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपके सिम्टम, अच्छे डॉक्टर के पास जाना जो आपके सिम्टम देखेगा, आपका एग्जामिनेशन करेंगे और फिर मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और पूरी हिस्ट्री के बाद होंगे आपके लेबोरेटरी टेस्ट, उसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट और एनीमिया, या अगर ज़रूरत पड़े तो यूरिन का, ज़रूरत पड़े तो स्टूल का, ज़रूरत पड़े तो लिवर, किडनी, हार्ट, इन सब के टेस्ट किए जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बोन मैरो को भी लिया जाएगा। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स या अदर सब्सटेंसेस देखे जाते हैं ब्लड में, कभी कभी ब्लड का टाइप भी देखा जाता है, स्पेशल टेस्ट भी कभी कभी किए जाते हैं ब्लड के ऊपर, कूम्स टेस्ट, बोन मैरो एस्पिरेशन कि भाई वो क्लॉटिंग कितनी हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बथेरे टाइप के टेस्ट हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर केस कि आपको क्या टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, बट मोटा मोटा यही है। आखिरी में बोन मैरो एग्जामिनेशन मेन जगह है जहां से देखा जाता है कि खून के सेल बनते हैं, मेन फैक्ट्री वही है, वहां पर क्या गड़बड़ हो रही है, तो बोन मैरो एस्पिरेट किया जा सकता है, मतलब वो बहुत पेनफुल होता है, हड्डी के अंदर छेद करके बोन मैरो निकालना छोटी बात नहीं है, बट जरूरत पड़ती है तो उसको करना पड़ता है जरूरत पड़ने पर। सो बोन मैरो डिटरमाइन करेगी कि जो बन रहे हैं खून, WBC, RBCs, प्लेटलेट, वो गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो बोन मैरो एस्पिरेट किया जा सकता है, उसमें से फ्लूइड थोड़ा सा निकाल के उसकी, या तो बोन मैरो एस्पिरेट या बोन मैरो की कोर बायोप्सी भी ली जा सकती है, उससे कई चीज़ें पता चलती है, जेनेटिक बीमारियां, कोई जो आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कोई ऐसी बीमारी जो नहीं बन रहा, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बना सकती है, तो बोन मैरो का भी टेस्ट किया जा सकता है, एस्पिरेशन बायोप्सी, डिपेंडिंग अपॉन आपका फिजिशियन, आपके डॉक्टर को क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है। और ऑब्वियसली चीज़ है, जब बोन डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर इतने ही डाइवर्स है तो उनका ट्रीटमेंट भी इतना ही डाइवर्स होगा। ऑब्वियसली चीज़ है कि जब इतने डाइवर्स है तो जब तक ट्रीटमेंट, जब तक कारण पिन पॉइंट नहीं होगा तब तक कैसे ट्रीटमेंट होगा, है ना। सो ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिजीज, ब्लड के अंदर जो भी बीमारी आएगी, चाहे प्लेटलेट कम हो, खून की कमी हो, आयरन की कमी हो, एओसिनोफिलिया हो, एक्सेसिव क्लॉटिंग हो, प्रोटीन की कमी हो, या कोई ज़्यादा हो कोई कम हो, उसको उसके हिसाब से बैलेंस करना होता है। ज़्यादा वाली चीज़ों के लिए पहला इलाज है पानी ज़्यादा पियो, राइट, और किडनी के लिए चेकअप कराइए, राइट, और कम वाली चीज़ों के लिए आपकी डेफिशिएंसीज, आयरन प्रोफाइल,
फॉलिक एसिड लेवल, ट्रांसफरेंट लेवल, बहुत सारी चीज़ें करके उसकी कमी पूरी करनी होती है। ये हुई ओवरऑल जानकारी आपकी ब्लड डिसऑर्डर की। 10 मिनट के अंदर इतनी जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को, और अपने सवाल कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम ट्राई करेंगे सभी सवालों के जवाब देने का।